लॉकडाउन के चलते हमीरपुर में फंसे कश्मीरी मजदूरों को घर भेजने के फैसले पर मजदूरों ने खुशी जाहिर की है। कश्मीरी मजदूरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर आकर डीसी हरकेश मीणा से घर वापसी के लिए जल्द व्यवस्था किए जाने के लिए भी गुहार लगाई है। इस अवसर पर कश्मीरी मजदूरों ने आफत की घड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा भरपूर सहयोग दिए जाने का भी जिला प्रशासन का आभार जताया है। कश्मीरी मजदूर दिलबाग खान ने बताया कि उपायुक्त से गुहार लगाई है कि अपने घरों तक हमें पहुंचाया जाए, क्योंकि आजकल घरों में परेशानी बढ़ गई है तो खेतीबाड़ी का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में करीब 28 मजदूर कई दिनों से घर वापसी की राह देख रहे हैं। I am Raqib Ahmed Lone, son of Ghulam Rasool Lone, from Jammu and Kashmir, district Bandipora, Wali Tilal. Sir, we are stuck in Himachal Pradesh from last one month, and we have no any arrangement, and we are in problem there. And I want to go back, but there is no any opportunity, and I. And I requested to the DC Himachal Pradesh of district Band district Hamirpur to give us permission to back to home. मजदूरों ने बताया कि इस आपत की घड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा हमारा पूरा ख्याल दिया गया है, और उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से हमीरपुर में मजदूरी कर रहे हैं और इस बार आफत की घड़ी में लोगों ने भी बहुत ज़्यादा साथ हमारा दिया है। मजदूरों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि हमें अपने घर वापस भेज दिया जाए। उन्होंने बताया कि डीसी हमीरपुर ने कश्मीरी मजदूरों को घर भिजवाने के लिए व्यवस्था का आश्वासन दिया है, जिससे मजदूरों में बहुत ही खुशी है। मेरा नाम सुनावाला भट्ट हूँ, मैं कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ। हमें यहाँ हो गया 20 साल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। हमें बहुत शुक्र गुजार है यहाँ के लोगों के, यहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन के भी और यहाँ के सरकार के भी। हमें हर वक्त हमें सुविधा मिली है, हमें राशन भी मिली है, सब कुछ मिले हैं। आज भी हमें यहाँ डीसी साहब ने बुलाया है हमें परमिशन के लिए, हमें परमिशन भी मिलेगा। और यहाँ के लोगों के भी हम बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं। बहुत लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन साहब के लिए और यहाँ के सरकार के लिए हम बहुत शुक्र गुजार हैं। खासकर जयराम ठाकुर साहब के, यहाँ की जो सरकार है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें किसी चीज़ की कोई सुविधा, मतलब हर चीज़ की सुविधा मिली है कि किसी ने, इन्होंने बोल दिया हमें, वो हमने सब कुछ किया है, बहुत शुक्रिया। और जल्दी वाला, हाँ, यहाँ हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें हर वक्त साथ दिया है। और आज भी हम डिस्ट साहब के पास आ रहे हैं और उन्होंने बोला है हमें कि दो चार आदमी यहाँ रुको और आपको परमिशन मिलेगी, आप बाकी आदमी को यहाँ से वो रवाना कर दो, ठीक है, और चार आदमी यहाँ बैठो। इन्होंने हमेशा साथ दिया है और हम यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी और डीसी साहब से भी, एसडीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें हर वक्त साथ दिया है। सर, हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के हम 28 बंदे हैं यहाँ, तो हम बहुत मजबूर हैं यहाँ, इसलिए कि हमारी जमींदारी भी शुरू हुई है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मजबूर है कि हमारे को कई गवर्नमेंट से अपील है, डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमारे को कई पहुँचा दें जम्मू साइड में, तो इसलिए हम बहुत मजबूर है कि हमारी खेती बाड़ी काम कब से शुरू हुआ है, हम तो यहाँ फंसे घर में, वो मजबूर हमारे पीछे वो परेशानी में, तो इसलिए हमारे को किराया भी कुछ नहीं है, हमारी जेब खाली हो गया है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, एक रुपया का ये नहीं है सर। इसलिए मेहरबानी है डीसी साहब से कि हमारे को कुछ ना कुछ करके, या अगर ज़िंदगी रही तो हम हर साल आते हैं, हम यहाँ दे देंगे किसी से, हमारे को किराया दिलवा दो और हमारे को कई ठिकाने पहुँचा दो, हम ये बहुत मजबूर है यहाँ कि इतने, हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से कम कोई 150-200 किलोमीटर आगे हम गुरेज तिलेल के हैं सर, हम तिलेल के हैं, तो इसलिए मेहरबानी है कि हमारे को वहाँ गई ठिकाने पहुँचा दो, तो